हेलो दोस्तों वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर के बारे में यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे एक से दस जुलाई के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है इस जिसमें हमने 40 से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों अगर आप हमें कहीं फॉलो करना चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है जहां से आप जुड़ के इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल पर हम रोज चार से पाँच क्वेश्चन डालते हैं तो उनको भी आप करें दोस्तों इससे आपका नॉलेज इंप्रूव होगा तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर मेव रिल बोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो इसका सही ऑप्शन है क्लियर कुनूर क्लियर कुनूर मेव रिल बोर्न क्रिकेट क्लब की महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों दो साल में यह पहली बार हुआ है कि महिला अध्यक्ष बनी है इससे पहले इस पद पर कुमार संगकारा जो श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी है वह थे दोस्तों आपको बता दें ये क्रिकेट क्रिकेट क्लब वो है जो आईसीसी के नियम बनाता है तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट टीवी रोकथाम रिपोर्ट गुजरात 50 लाख के अनुसार आबादी पचास लाख से, से कम है तो त्रिपुरा और नागालैंड ये दोनों राज्य पचास लाख से कम आबादी वाले राज्यों में टीवी रोकथाम रिपोर्ट दो में शीर्ष पर रहे हैं वही बात की जाए यूटीज की तो यूटीज में दादर और नगर हवेली टीबी रोकथाम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष से यूटी रही है दोस्तों तो इतना आपको इन सभी के बारे में याद रखना है एक बार फिर बता दें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो शहर हैं या राज्य हैं उनमें गुजरात टॉप पर रहा है जो 50 लाख से कम है उनमें त्रिपुरा और नागालैंड वही बात की जाए यूटीज की तो दादर और नगर हवेली टीबी रोकथाम रिपोर्ट टू में शीर्ष पर रहे हैं बात है गुजरात की तो आपको मैप में गुजरात 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 के बारे में बता में बता दें मैप ये आप देख पा रहे हैं गुजरात, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी राजधानी है गांधीनगर यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं वही बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा की कुल उनतीस सीटें हैं गुजरात में तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस देश में तेल और गैस परियोजना के लिए एक दशमलव करोड़ रुपए निवेश किए हैं तो इसका सही ऑप्शन है म्यांमार भारत ने म्यांमार देश में तेल और गैस परियोजना के लिए एक दशमलव करोड़ डॉलर का निवेश किया है बात करते हैं म्यांमार की तो मैप में आप देख पा रहे ये है म्यांमार म्यांमार जो भारत का एक पड़ोसी देश भी है म्यांमार की राजधानी है नेपिडो यहाँ के अध्यक्ष है बेन मिंट और स्टेट काउंसलर है अनशान जू की मुद्रा कयाट है म्यांमार की तो इतना आपको म्यांमार के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंग्लिश प्रीमियर लीग हाल ही में किसने जीती है जिसका सही ऑप्शन है लिवरपूल लिवरपूल के द्वारा इंग्लिश प्रीमियर लीग हाल ही में जीती गई है दोस्तों जैसे हमारे यहाँ इंडियन प्रीमियर लीग होती है वहाँ फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है यूरोप कॉन्टिनेंट में एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है दोस्तों इस दिवस की शुरुआत 2017 से यूएन के द्वारा की गई थी अब ये एमएसएमई क्या है आपको इसका फुल फॉर्म बता दें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है हिंदी में कहा जाए तो सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के तो भारत में कुल 50 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर है दोस्तों बात की जाए में, तो गांव में सत्ताईस दशमलव करोड़ एक्टिव यूजर हैं वहीं बात की जाए शहर में तो बाईस करोड़ शहर में एक्टिव यूजर हैं इसके अलावा सबसे ज्यादा जो एक्टिव यूजर हैं वह है मुंबई शहर में है मुंबई में एक करोड़ लोग एक्टिव यूजर हैं वहीं अगर बात की जाए सबसे तेज इंटर इंटरनेट गति की तो बिहार और झारखंड राज्य में सबसे तेज इंटरनेट आपको मिलता है तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया आपको याद रखने हैं एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ही बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन आसियान समिट 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है तो इसका सही ऑप्शन है वियतनाम वियतनाम में आसियन समिट 2020 का आयोजन किया गया है दोस्तों आपको बता दें यह इसका संस्करण था संस्करण भी वियतनाम में ही इसका 2020 में अब बात है आसियान की तो आपको इसका फुल फॉर्म बता दें आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना 1967 में की गई थी इसके मेंबर कंट्री हैं कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस म्यांमार मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड और वियतनाम ये इसके कंट्री हैं इसके अलावा अगर बात की जाए इसके मोटो की तो वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी इसका मोटो है तो इतना आपको आसियान के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कितने चीनी एप्स को भारत में प्रतिबंध किया गया है तो उनसठ चीनी एप को यानी 59 नाइन

जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है जो पीसी महान कौन थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बनाने वाले थे या इन्हीं के मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी भारत में इन्हें फादर ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स भी कहा जाता है और इन्हीं के दिवस पर नेशनल एस्थेटिक्स डे मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस उनतीस जून को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की अदालतों मेट्रो रेल औद्योगिक प्रतिष्ठान बैंक आदि की सुरक्षा के लिए बल निर्माण करेगा तो ये कौन है कौन सा राज्य है तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो इन सभी के लिए एक सुरक्षा बल का निर्माण करेगा दोस्तों अब बात आई उत्तर प्रदेश की तो आपको मैप में इसके बारे में मैप में आप देख पा रहे होंगे उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश की राजधानी है लखनऊ इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी गवर्नर है पटेल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर राज्यसभा की इकतीस सीटें हैं और लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं पूरे भारत में तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल भारतीय अंपायर कौन है तो ये है नितिन मेनन नितिन मेनन आईसीसी के अंपायरों की, की एलिट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा और भारत के अंपायर हैं। बात आई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो आपको इसके बारे में बता दें इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसीसी के नाम से जानती हैं। हिंदी में कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है इसका आदर्श वाक्य अच्छे के लिए क्रिकेट यानी क्रिकेट फॉर गुड होता है इसका गठन 15 जून 1909 में किया गया था मुख्यालय दुबई यू में है इसके सदस्य देश है एक और सीईओ है मनु साहनी तो इतना आपको आईसीसी के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है तो ये हमारा राज्य में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों आपको बता दें इसमें कुल ग्यारह टीमें हैं जो सर्वे करेंगी कोरोना के खिलाफ दोस्तों रोज 21000 टेस्ट करने की क्षमता विकस, विकसित की जा रही है मध्य प्रदेश में वहीं बात की जाए इसकी शुरुआत करता 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 कौन है तो करता है तो तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज शिवराज सिंह सिंह इसके शुरुआत शुरुआत यानी इस अभियान तो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है किल कोरोना अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है तो ये है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य ने हमारा घर हमारा अभियान हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है बच्चे इसमें योग करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे और कहानियां सुनेंगे इस अभियान के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तो यह दिवस 30 जून को मनाया जाता है ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने प्रोग्राम और डाटा साइंसेस में भारत की ऑनलाइन बी डिग्री शुरू की है तो यह है आईआईटी मद्रास आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन बीएससीस डिग्री शुरू की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड CBFC के सीईओ किसे चुना गया है तो इसका सही ऑप्शन है रविंद्र भाकर रविंद्र भाकर को CBFC का सीईओ चुना गया है दोस्तों आपको बता दें इसका जो फुल फॉर्म होता है सी का वह क्या है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये सी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इसकी स्थापना 15 जनवरी उन्नीस में की गई थी यानी 15 जनवरी 1951 में इस सी बोर्ड की स्थापना की गई थी हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है तो ये आपको इतना इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है और इसके हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं रविंद्र भाकर नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2019 की तुलना में जून 2020 में मध्य प्रदेश की जीएसटी कलेक्शन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है तो इसका सही ऑप्शन है 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी 2020 में मध्य में की जीएसटी कलेक्शन में की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य में गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा दोस्तों लालबाग में जो गणेश जी बैठते थे वह 2020 में नहीं बैठेंगे इनकी जगह 11 दिन तक ब्लड और प्लाज्मा बैंक चलाया जाएगा ये महाराष्ट्र में आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है बताइए महाराष्ट्र की तो आपको मैप में महाराष्ट्र के बारे में बता दें मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की स्थापना एक मई 1960 में की गई थी मुंबई राजधानी है गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 यानी 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक एक जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2020 में इसकी थीम थी लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड 19 आपको बता दें चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे की शुरुआत 1991 से की गई है यानी 1991 से इस डे की शुरुआत की गई थी यह डॉक्टर विद्याचंद्र रॉय की जन्मतिथि पर मनाया जाता है दोस्तों अब ये कौन थे तो ये बंगाल के पूर्व गवर्नर थे और महान डॉक्टर थे तो आपको याद रखना है विद्याचंद्र रॉय की जन्म यानी पुण्यतिथि पर इस दिवस को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आने वाले दस साल के लिए रक्षा योजना में 270 मिलियन डॉलर कौन सा देश देश खर्च खर्च करेगा? करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है उस्ट्रिलिया। उस्ट्रिलिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऐसा जो आने वाले 10 साल के लिए रक्षा योजना में 270 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों बात की तो आपको मैप में में उसके बारे राजधानी है एलिजाबेथ हार्डी और प्रधानमंत्री मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में में किसी अवार्ड शामिल होने और वोट करने का आमंत्रण दिया गया है है तो इसका सही ऑप्शन है ये ऋतिक है, रोशन और आलिया भट्ट इन दोनों को अकेडमी अवार्ड जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है इनमें वोट देने का आमंत्रण दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस बे किन जिलों में बनाया जा रहा है तो तीन जिलों में मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है ये तीन जिले कौन-कौन से हैं तो भिंड मुरैना और शिवपुर इन तीनों जिलों में मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है इसकी कुल लंबाई 361 किलोमीटर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सोशल मीडिया कंपनी होपर एचक्यू के अनुसार Instagram से सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं तो ये बने हैं ड्वेन जॉनसन जिन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है यह सोशल मीडिया कंपनी के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। दोस्तों इनका एक पोस्ट सात करोड़ रुपए का होता है यानी ये एक पोस्ट के सात करोड़ रुपए लेते हैं इंस्टाग्राम से वहीं बात की जाए भारत के विराट कोहली की तो दोस्तों ये इस लिस्ट में छब्बीसवें स्थान पर है ये एक पोस्ट के दो करोड़ रुपए लेते हैं वहीं भारत की एक और है प्रियंका चोपड़ा ये भी इस लिस्ट में अट्ठाईसवे नंबर पर हैं और ये भी दो करोड़ रुपए लेती हैं एक पोस्ट के तो आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है इसके अलावा जॉनसन जिन्हें द रॉक के नाम से जाना जाता है इन्हें भी याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विगी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्विगी मनी किसके साथ लॉन्च किया है तो यह है आईसीआईसीआई बैंक इसके साथ स्विगी मनी लॉन्च किया गया है स्विगी कंपनी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है तो दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया गया है बात दिल्ली की तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता दें मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है दिल्ली की लोकेशन यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की 1911 में स्थापना की गई थी यानी कलकत्ता से राजधानी बदलकर 1911 में दिल्ली बनाई गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना अवशिष्ट के लिए अलग से पीला डस्टबिन रखने वाला शहर कौन सा बना है तो ये है इंदौर इंदौर, के लिए अलग से पीला इंदौर की तो मैप में आपको इसके बारे में बता दें मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है इंदौर की इंदौर का जो पड़ोसी जिला है वह उज्जैन धार देवास वेस्ट निर्माण ये सभी इसके पड़ोसी जिले हैं हैं बात करते इसके फैक्ट की की तो मध्य प्रदेश आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है मध्य प्रदेश की मौसम वेदशाला और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग की स्थापना भी इंदौर में की गई है भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली जो महू में है यह भी इंदौर के अंतर्गत ही आती है नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी मध्य प्रदेश में तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में आपको याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर फॉर हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक जारी करता कौन है तो ये है वेंकैया नायडू वेंकैया नायडू फ्यूचर फॉर हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेड्स पुस्तक जारी करने वाले हैं दोस्तों आपको बता दें वेंकैया नायडू भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति हैं और इस बुक के लेखक हैं सी बी राम नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसपा के तहत किस राज्य को संपूर्ण अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है तो यह है नागालैंड नागालैंड को ए एफ एस पी ए जिसे अफसपा कानून कहा जाता है इसके तहत संपूर्ण क्षेत्र में अशांत घोषित किया गया है दोस्तों बात आई है इस की तो आपको इसके बारे में बता दें इसका फुल फॉर्म होता है फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसे में लाया गया था इसके द्वारा सेना या सीमा बल है उसको विशेष शक्तियां दी जाती हैं और जो आसान क्षेत्र होते हैं उनमें यह अफसपा कानून लगा सकते हैं बात आइए दोस्तों नागालैंड की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें दोस्तों ये लोकेशन है नागालैंड की ये भारत का पूर्वी राज्य है बात करते हैं इसके गठन की तो 1 दिसंबर उन्नीस को इसका गठन किया गया था राज्यपाल हैं आर एन रवि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है, है नेफी रियो कोइमा राजधानी है नागालैंड की राज्यसभा की एक और लोकसभा की एक सीट है नागालैंड से तो आपको इतना नागालैंड के बारे में याद रखना है

Osionfish. देश के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर रहेंगे तो ये हैं रूस के राष्ट्रपति जो 2036 पर अपने पद पर रहेंगे अब रूस के राष्ट्रपति कौन है तो आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन पहले जासूस हुआ करते थे इसके बाद यह रूस के राष्ट्रपति बने हैं बात आई है रूस की तो मैप में आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता दें दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है रूस रूस की राजधानी है मॉस्को यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमिर पुतिन प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं मुखाइल मुस्तेन और रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा है आपको पता है जैसे कि दोस्तों यह दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला है दोस्तों इसके अलावा टर्की भी एक ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में फैला है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड फिलिपे ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया ये किस देश के प्रधानमंत्री थे तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे बात आई है फ्रांस की तो आपको मैप में फ्रांस के बारे में बता रहे हैं। ये दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है फ्रांस की राजधानी है पेरिस फ्रांस की और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमानुअल मैक्रोन प्रधानमंत्री जो जीन कैक्टस बनाए गए हैं हाल ही में और यहाँ की मुद्रा यूरो भी है और सी फ्रैंक है फ्रांस की मुद्रा तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रांस के बारे में याद रखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शंक मनोहर ने इस्तीफा दिया एक संस्था के अध्यक्ष थे तो ये आईसीसी के अध्यक्ष थे दोस्तों जैसा कि मैंने अभी इसी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं आईसीसी के बारे में तो वहां से आपको आईसीसी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने बताए थे वो यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और रिपीट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डॉग मीट किस राज्य में बैन किया गया है तो नागालैंड में डॉग मीट को बैन किया गया है जैसा कि अभी हाल ही में नागालैंड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए थे तो वो भी आप यहां पर रिवाइज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रोटेम स्पीकर कौन बनी है तो रामेश्वर शर्मा हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रोटेम स्पीकर बनी है दोस्तों ये भोपाल के हुजूर क्षेत्र से विधायक हैं तो आपको इतना इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रदेश में कितनी नगर परिषदों का गठन किया गया है तो कुल चार नगर परिषदों का गठन सागर जिले में अब इनके नाम कौन कौन सी हैं तो सुर्खी बलहरा बातोन इन चार न, चार शहरों को नगर परिषद में दर्जा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है तो लिन डैन ने हाल ही में बैडमिंटन से सन्यास लिया है दोस्तों ये चीन के के महान खिलाड़ी खिलाड़ी हैं हैं आपको बता सुपर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया एकमात्र तो यह है केरल केरल राज्य में आपको जाने से पहले अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी डिटेल भरनी होगी अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है आपको इसका नाम बता दें कोविड 19 जग्रत प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म का नाम है हाल ही में केरल में केरल एपिडेमिक डिसीज़ कोरोना वायरस 2020 एक्ट लागू किया गया है जो जुलाई 2021 तक लागू रहेगा और इसके अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिटेल भरते हैं तभी आप केरल में एंटर कर सकती हैं बताइए केरल की तो आपको इसकी लोकेशन के बारे में मैप में बता दें मैप में आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन है केरल की केरल की राजधानी म है यहाँ की स्थापना जो है एक नवंबर 1956 में की गई थी केरल के गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन है राज्यसभा की नौ सीटें हैं और लोकसभा की बीस सीटें हैं तो आपको इतना केरल के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड सेंटर कहां शुरू हुआ है तो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड सेंटर शुरू हुआ है दोस्तों यहां पर बी नहीं बेड है 10,000 बेड वाला कोविड 19 सेंटर शुरू हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहली बार कहा सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाई जाएगी तो ये है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में पहली बार सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाई जाएगी दोस्तों आपको बता दें जो मध्य प्रदेश की बीना जंक्शन है इस पर देश में पहली बार सौर ऊर्जा से ट्रेन चलाई जाएगी एक दशमलव सात मेगा की सौर ऊर्जा संयंत्र यहां पर लगाया गया है जिससे जो भी ऊर्जा निकलेगी उसका उपयोग ट्रेन चलाने में किया जाएगा तो ये देश में पहली बार होगा और मध्य प्रदेश में भी पहली बार होगा तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की एक से दस जुलाई के करंट अफेयर के बारे में अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में वहां से जुड़ सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों और परिवारजन के साथ शेयर कीजिए और चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नमस्कार हैव अ नाइस डे